नमस्कार, स्टेट न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वी। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शाजापुर जिले के बेगमखेड़ी गांव में भगवान श्री देव नारायण मंदिर से दिवाली के पूर्व के दिन क्षेत्र के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र रहता है। भगवान देव नारायण की शोभा यात्रा के साथ साथ मेले का आयोजन ग्रामवासियों की तरफ से किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए यहां के प्रतिनिधि राम सिंह गुर्जर, पूर्व जनपद सदस्य, ने बताया कि गाँव के आसपास दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। यहाँ पे संख्या का तो कोई भी आंकलन ही नहीं कर सकते कि कितनी संख्या होती है। यहाँ तो जनसंख्या तो इतनी रहती है कि वहाँ पे बहुत ही होती है, बहुत जाम लग जाता है। सारे आसपास के जितने भी जो लोग हैं वो बहुत दूर दूर से भी आते हैं यहाँ पे, जिनके जो मन्नत करते हैं। गाँवों में भी ऐसा हो जाता है कि पूरा जैसा कोई अपने यहाँ पे एक घर वाले के यहाँ जैसा कोई ब्याह शादी है, ऐसा हर घर रहता है यहाँ पे। और ये जो गाँव और ये रीति रिवाज पहले से जो चलता आ रहा है, ये नेवच नदी के तट पर हैं। और वैसे देव नारायण मंदिर का बहुत अच्छा प्रांगण बना हुआ है वहाँ पे, और ये कार्यक्रम बहुत सदियों पुराना चलता आ रहा है। और ये देवताओं की आस्था है, और देवता की आस्था रखने वाले जो भी माँ के मानव भाव है वो बहुत अच्छे तरीके से भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये मेला देव नारायण मंदिर बेगमखेड़ी में जो मेला लगता है, ये दीपावली के पड़िया के रोज़ लगता है। और ये परम्परा आदिकाल से करीबन 500 वर्ष पुरानी ये प्रथा है, जो ये चली आ रही है आस्था। और इस मेले का महत्व ये है कि यहाँ 9 दिन तक बाड़ी थेपाती है, और बाड़ी के बाद में सलकन खेड़ी से पंडा जी के शरीर में देव नारायण भगवान आते हैं, और वो वहाँ से चलकर बेगम खेड़ी देवरा पे पहुँचते हैं, और फिर वहाँ दिन भर आस्था का जमावाड़ा लगता है। और वहाँ पे आसपास क्षेत्र के समस्त श्रद्धालु अपनी आस्थाओं को लेकर आते हैं, मन्नत को लेकर आते हैं।